हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं जो वीडियो शूट करने जा रही हूँ वो है मेरी सी सेक्शन डिलीवरी, या आप कह सकते हैं मेरी सेकंड डिलीवरी, सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी। आपको मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का सारा एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी भी मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छी हुई, बट डिलीवरी के बाद थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे जो मैंने डिस्कस किए थे। और आज मैं उसी से कनेक्ट करती हूँ अपनी सेकंड स्टोरी जो मेरी सी सेक्शन हुई। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मेरे बेटा 4 या 5 महीने का था, बड़ा वाला, यानी कि वो अप्रैल में हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त के आसपास कहीं जाके मेरी जो है पीरियड शुरू हो गए थे, यानी कि 3-4 महीने में ही मेरे पीरियड शुरू हो गए थे। और जैसे ही पीरियड शुरू हुआ तो मुझे बस एक ही जिद थी कि अभी मुझे कोई दूसरा इशू नहीं चाहिए, कोई दूसरी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। बिकॉज मेरा जो बड़ा बेटा था वो बीमार रहता था और मैं उसमें काफ़ी परेशान थी। मुझे लगता था कि मुझे अभी और अभी सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। और इस डर का एक रीज़न ये था कि मेरे साथ ही जो मेरी जिठानी, जिनकी शादी और मेरे साथ ही हुई थी, मतलब हम दोनों की शादी एक ही मंथ में हुई थी, तो उनका सेकेंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी। उनकी जो बड़ी बेटी थी वो मेरे शिबू से 3 महीने बड़ी थी, तो हम दोनों का लगभग सेम चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे सेम चीज़ नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तरह इतनी जल्दी सेकेंड प्रेगनेंसी को मतलब झेल सकूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको बताया कि देखिए मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी कंसीव करूं। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि ऐसा है 4th या 5th डेज पे आ जाना और मैं कॉपर टी लगा दूँगी। नहीं तो मैं 4th डे पे गई डॉक्टर के पास और मैंने जो है कॉपर टी लगवा ली। तो ऐसे करके जो है 5 साल बीत गए। और इस बीच में मतलब काफ़ी बार लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि अब 3 साल का बेटा हो गया, अब तो ठीक है, अब दूसरा बच्चा कर लो। ऐसे करके होता गया और फिर हम लोगों को भी लगने लगा कि चलो अब बहुत टाइम हो गया, बड़ा बेटा भी बड़ा होता जा रहा है और अब हमें सोचना चाहिए। तो 2011 की जो है मैं अगस्त या सितंबर में मैंने वो प्रॉपर्टी निकलवा दी। मेरी मदर ने बहुत इंसिस्ट किया कि बस अब बहुत हो गया, अब दूसरा बच्चा करना ही होगा, अगर करना है तो, और करना ही चाहिए 2 बच्चे। तो फिर मैंने लखनऊ में ही वो प्रॉपर्टी निकलवाई और जैसे ही मैं दिल्ली वापस आई तो उसके बाद जो है मैंने कंसीव कर लिया। और कंसीव करने में मुझे सेम वही चीज़ हुई कि जैसे कुछ लोगों का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे जब भी मेरा एक दिन भी पीरियड ऊपर जाता है तुरंत ही मेरा सर चक्कर आने लगता है और सर घूमने लगता है। तो ऐसे ही कुछ मुझे स्पिन सा हुआ और मुझे लग गया कि लगता है प्रेगनेंसी हो गई है। खैर कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे। घर पर भी मैंने किट यूज़ किया और घर पे भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकली। उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। हम बहुत खुश थे और हमारी मुराद थी कि हमें एक बेटी हो जाए। फिर शुरुआत में वॉमिटिंग का किस्सा शुरू हो गया। वॉमिटिंग करते करते 3 महीने निकल गए और फिर मेरे जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं कि मैं इतनी निगेटिव हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में हो गई थी कि इतने मूड स्विंग्स होते थे कि मैं क्या बताऊँ। मुझे अपने हस्बैंड की हर पॉजिटिव बात भी निगेटिव लगती थी, मैं उनसे बहुत झगड़ा करती थी। कभी कभी ऐसा लगता था, ऐसा मतलब हो जाता था कि ये बच्चा मतलब मुझे नहीं रखना चाहिए था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, ये गलती है और क्या करूँ जो इसको निकाल के मैं बाहर कर दूँ। मतलब मेरे और हस्बैंड के बीच में ऐसा हो गया था। और काफ़ी ऐसा लगता है कि उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, मतलब मुझे अपनी बेवकूफ़ियों पे हंसी भी आती है, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा क्या हो रहा था मेरे साथ कि मुझे, और मैं इतनी एक्टिव हो गई थी। गाइस यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ
कहते हैं ना लड़के में ये होते हैं, लड़कियों में ये आपके लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दो बेटे हैं और दोनों में बिल्कुल समझ लीजिए रात और दिन जैसा डिफरेंस था, आसमान और ज़मीन जैसा डिफरेंस था। जब मेरा बड़ा बेटा था तब मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, मुझे बहुत आलस आता था, मैं एक जगह पड़ी रहती थी, मैं कोई काम में मेरा मन नहीं लगता था। बट जो छोटा बेटा था उसमें समझ लीजिए कि मुझे एक भी अगर कहीं एक ग्लास भी रखा है ना तो वो जब तक मैं उसके प्रॉपर प्लेस पे नहीं रख लूँ मुझे चैन नहीं मिलता था। बड़े बेटे में मुझे ग्रीन वेजीज पसंद थी और छोटा बेटा जब था पेट में तो मुझे बहुत चटपटा स्पाइसी ढेर भर मसाले वाला, इवन कि मैं मिक्सी का मसाला नहीं पीस के खाती थी, मैं सारा मैंने साबुत मसाला मंगाया था, मुझे इतना स्पाइसी पसंद था कि मैं सिलबट्टे में पीस पीस के खूब ग्रेवी वाली सब्जियां बना के खाती थी। एक डिफरेंस ये हो गया, मैं बहुत ही सुंदर हो गई थी अपने फर्स्ट जो है बेटे में, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, मेरा कलर, मेरा जो है स्किन इतना ग्लो करता था और मतलब बहुत ही अच्छी हो गई थी मैं। और मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं इतनी भद्दी और मेरी स्किन इतनी ख़राब, पैची, बहुत सारे मेरे फेस पे जो है क्या कहते हैं वो ब्लैक हेड्स टाइप के और महीन महीन से दाने हो गए थे और पूरी बॉडी में मुझे इचिंग रहती थी। मैं रात भर कहीं कॉम्ब लेके, कहीं ब्रश लेके, कुछ ना कुछ करके मैं खुजाया करती थी, इतनी मुझे इचिंग होती। इन सब की मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली और अपनी गायनी को भी बोला कि ऐसे ऐसे, लेकिन अब जो आपके लक्षण हैं जब तक कि आपकी डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक वो सब होते हैं, वो आज भी निशान मेरी बॉडी पे है जो मैंने खरोच खरोच के अपनी बॉडी पे बनाए हैं। इतनी मुझे इचिंग, इतनी खुजली होती थी। तो ये कहना बेकार है कि अगर लड़का होता है तो ये होगा, लड़की होती है तो ये होगा। मेरे दोनों ही बेटे हैं और दोनों में ही बिल्कुल उल्टा उल्टा लक्षण मुझे हुआ है। उसके बाद में मैंने शुरुआत से ही एक प्राइवेट गायनी को दिखाया एक नर्सिंग होम में, और मेरे जो जितना भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी मैं उनके साथ डिस्कस करती थी। ये सारी कहानी तो हो गई, लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे बेटी ही होगी और हमें बेटी ही चाहिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बात पे थे कि नहीं बेटी होगी। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी मतलब ऐसा होता था ना कि लड़ाई, मेरे मूड स्विंग्स का तो कुछ पता ही नहीं था, मतलब पल में तोला पल में मासा, ये वाली हाल थी। और मैंने जो है अभी लड़ी और सुबह बिल्कुल नॉर्मल, सुबह लड़े 2 घंटे के बाद नॉर्मल, फिर अच्छे से बातें हो रही। तो ये था, और डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आया था कि मुझे लगता था कि वो मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, उन्हें अब मेरी परवाह नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ऑफुल रही है, बहुत हॉरिबल रही है, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में भी और आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो होगा वो बताऊँगी। तो जो है हम लोग हमेशा एक बेटी होगी, हमने नाम भी सोच लिया ये, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली में सबको एक बेटा एक बेटी है ससुराल पक्ष में, और ये भी लगता था कि जो है हमें भी वही होगा। प्लस सब लोग कहते थे कि अरे अच्छा तो शिवू था तो ऐसा था और अब की ऐसा, तो अब की तो तुम्हारी बेटी होगी। तो कुछ ये भी था कि अब की सारी चीज़ें अपोजिट हैं तो अब इस बार तो बेटी ही होगी। इस तरह करते करते मेरे 7 मंथ कंप्लीट हो गए, सारा प्रोसीजर जो होता है मेडिकल वाला, टाइम टू टाइम इंजेक्शंस, कैल्शियम और खाने पीने का जो था वो तो आपने मतलब ग्रीन ग्रीन तो मैं कुछ खाती नहीं थी, फूड्स पसंद नहीं थे, स्पाइसी फूड पसंद था, दूध मैं ले लिया करती थी, बाकी आयरन कैल्शियम ये सब मैंने दोनों प्रेगनेंसी में लिया है, जितना भी डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करती थी। फिर उसके बाद जो है मेरा 7 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड हुआ तो सब कुछ ठीक ठाक निकला, और तब तक मेरी कुछ कुछ चीज़ें ठीक होने लगी थी, मेरे मूड स्विंग्स वगैरह थोड़े थोड़े ठीक होने लगे थे। फिर 1 मंथ आया, यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई। 8 मंथ में मैं इतनी ज़्यादा, मेरा बेबी बम था जो इतना ज़्यादा था कि लोग मतलब देखते थे, और मुझे चलने में, उठने में, बैठने में, खाना बनाने में, हर चीज़ में बहुत तकलीफ होती थी। क्योंकि मैंने आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी बताया कि मेरा बड़ा बेटा लखनऊ में हुआ था, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, बिकॉज इस बार मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी थी और मेरा अपना घर था, कोई और था नहीं।
पहले मैं इन लॉज के साथ रहती थी तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं मायके चली गई कि हस्बैंड का ख्याल, तो खैर उन्हें कपड़ा धुला हुआ मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने घर में होते हो तो घर की सिक्योरिटी, हस्बैंड की केयर, ये सब चीज़ें आपको रोक लेती हैं। तो मैं नहीं जा पाई और मैंने अकेले ही सारा ये, बीच बीच में मेरे घर से कोई ना कोई आता गया, मेरी बहनें मम्मी, इस तरीके से मुझे हेल्प मिली। तो फिर मैंने क्या किया कि जो है एक मंथ में जब मैं गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा पेट था और मेरी मम्मी आ चुकी थी, मैं उनको रेलवे स्टेशन गई थी, मतलब मुझे इतनी इतना मेरे अंदर फुर्ती आ गई थी, इतनी एक्टिव थी कि मुझे कोई वो नहीं था। मेरे मम्मी आ रही थी और उनको लेने जाना था, मेरे हस्बैंड स्टेशन लेने जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा नहीं मुझे भी जाना है। उन्होंने कहा अरे तुम ऐसे कैसे जाओगी अभी तुम, मतलब फिर या तो मैं गाड़ी से तुम्हें ले चलूँ, फोर व्हीलर से, नहीं मुझे बाइक पे जाना। मैंने घर का सारा काम किया उस टाइम पे, मेरे घर पे मेरे इन लॉज भी थे और 10-12 लोगों का मैंने खाना पीना किया। फिर मैंने उस समय मेरे पास कोई मेड भी नहीं थी, मैंने खाना बनाया, किचन साफ किया, खूब सारे बर्तन धुले और फिर तैयार, और फिर अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे बैठ के गई और करीबन 1-1.5 घंटे की राइड होती है और मेरी पीठ इतनी दर्द हो रही थी लेकिन मैं इंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे देखा है स्टेशन पे, वो एकदम से घबरा गई, अरे तुम क्यों चली, अरे लग रहा है कि अभी बस डिलीवरी हो जाएगी। और मेरा मतलब 8 मंथ स्टार्ट ही हुआ था और जो है उन्होंने कहा कि नहीं तुम भूल रही हो, इतना भी कहीं पेट होता है। तो मैंने कहा अरे है तो है, और स्टेशन पे आप यकीन मानिए हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था कि बस अभी, लोग मतलब आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहे थे कि ये कहाँ है, मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है और ये औरत रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही है। खैर वहाँ से फिर मेरी मम्मी ने मुझे बाइक पे नहीं आने दिया, हमने टैक्सी की थी, फिर हम मम्मी के साथ टैक्सी से और संजू बाइक से अकेले आए। 1 हफ्ते ही हुआ था मेरी मम्मी को आए हुए और मेरा 8 महीने 10 दिन हो गए थे और हमें चेकअप के लिए जाना था। जब मैं चेकअप के लिए गई तो अल्ट्रासाउंड लिखा डॉक्टर ने और हमने जो हमारी एरिया का बेस्ट है उस वहाँ से हमने कलर करवाया अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जब लेके मैं अपनी गायनी के पास गई तो उन्होंने जैसे ही देखा तो कहने लगे ऐसा है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और आप ना अभी पास में है वहाँ से एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, इसमें बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है। उसमें बच्चे का वेट 4.5 था, 4.5 किलो का मेरा बेटा था और सिर्फ 8 महीने 10 दिन ही हुए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अरे ऐसे कैसे, और इतनी बेस्ट जगह से तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं, हम लोग तुरंत ही गए और उसी एरिया में एक था और उन्होंने तुरंत अल्ट्रासाउंड किया और हम लेके रिपोर्ट आए, लेकिन सेम ही था, उसमें भी वही था। अब डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपका बेटा इतना ज़्यादा वेटेड हो गया है पेट में ही, 4.5 किलो का हो गया है और 9 महीना कंप्लीट होते होते तक तो ये 5 किलो का हो जाएगा, क्योंकि इन मंथ्स में, लास्ट के 2 मंथ में 3 मंथ में बच्चे बहुत जल्दी से वेट गेन करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा है कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 9 महीने तक का वेट करेंगे तब भी, और अगर आप जो है सी सेक्शन भी कराना चाहें कि चलो 9 महीने कंप्लीट, तो मैं नहीं करूँगी, आप कोई दूसरा मतलब हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी डिलीवरी करूँ और केस को हैंडल करूँ तो आपको इसी हफ्ते में सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, बिकॉज मैं ना नॉर्मल कर सकती हूँ ना ही मैं 9 महीने के बाद इतने वेटेड बच्चे को, मतलब इनको भी तकलीफ है और बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है बाहर आने के लिए, तो आप वेट ना करें। और मुझे भी सच में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो हम हस्बैंड वाइफ घर आए मुँह लटका कि अब क्या करें, इतना बड़ा डिसीजन लेना है और प्रीमेच्योर भी, मतलब अगर टाइम के हिसाब से देखें कि अभी तो 8वां महीना लगा है, पूरे 8.5 भी नहीं हुए। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अगर डॉक्टर कह रही हैं कि बहुत ही मतलब ठीक है, बच्चा अच्छे से बढ़ चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ऐसा करो ना ऑपरेशन करा लो, और जब ऑपरेशन सही होना, इसके अलावा कोई और मतलब चांस नहीं है,
और तुम्हें भी इतनी दिक्कत है ना, तुम लेट पाती हो ना बैठ पाती हो ना नहा पाती हो, मतलब हर चीज में बहुत ही दिक्कत है, तो तुम एक बार सोच लो। फिर हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो ठीक है, और हम लोग भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए कि जब बच्चा ठीक ठाक है और टाइम भी हो गया और वेटेड भी है तो चलो कर लेते हैं। फिर हमने अपनी मतलब इन लोगों को कॉल किया, वो उस समय गांव में थी, उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है। फिर हमने पंडित से पूछा और उन्होंने 28 मई की मॉर्निंग का टाइम निकाला, और उस दिन संडे था, और मैं रात में खाना वाना खा के बना बना के और घर से तैयार होके, घर में मेरी मम्मी और कज़न थी, हम लोग रात में एडमिट होने के लिए गए, और एडमिट हुई मैं सुबह, मेरा मॉर्निंग में सिजेरियन था, और मुझे ओटी ले जाया गया सुबह। रात में जितने जो प्रोसेस होते हैं वो तो होते ही हैं कि आपको ड्रिप लगा दी जाती है, आपका खाना पानी बंद कर दिया जाता है, तो वो सारा कुछ हुआ। और सुबह मुझे कपड़े वपड़े चेंज करा के मुझे ओटी की तरफ ले जाया जाने लगा। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे क्योंकि ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। तो वहाँ पर मैं गई तो मुझे ये था माइंड में कि भाई एक डॉक्टर होगी, एक नर्स होगी, वही ऑपरेशन करेंगे, कभी देखा नहीं था। मैं वहाँ गई तो मेला लगा हुआ था, दो तीन तो गायनी थी, दो तीन नर्सें थी, वार्ड बॉय थे, एक जो आपके एनेस्थीसिया देते हैं वो होते हैं, एक ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, तो एक आपकी नब्ज पे हाथ रख के, वो इस तरीके से कम 12-15 लोग थे। और मुझे समझ नहीं आया कि अब ये ऑपरेशन कैसे करेंगे। खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है, हर औरत के साथ होती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पीछे नील पिच की और लगाया, तो मुझे समझ लीजिए उस समय लगा तो वो दर्द तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी सुन्न होने लगी, ये जो इतना हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, तो वो जो मेरा सुन्न होने लगा ना, तो मुझे इतनी उलझन थी कि ऐसे लग रहा था मेरे प्राण निकल रहे हैं, और मैं कह रही थी मुझे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप शांत रहिए ऐसे करके, तो मैं शांत हो गई। तो जैसे ही वो मेरा ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे तो मेरे आंखों पे वो बैंड लगाने लगे, तो मैंने कहा नहीं मुझे देखना है। तो कहे नहीं आप नहीं देख पाओगे। नहीं मैं देख लूँगी। मैंने अपनी पूरा ऑपरेशन अपने आंखों से देखा, और ऑपरेशन इस तरीके से होता है कि आपको कट लगाया जाता है और आपका जो है बेबी जो है निकाल दिया जाता है, और बस इतनी देर ही लगती है बेबी को बाहर आने में, बाकी तो जो टाइम लगता है वो स्टिचिंग में लगता है सबसे ज़्यादा। जो ऑपरेशन थिएटर में आप टाइम गुजारते हो वो स्टिचिंग में लगता है। तो बेबी को मेरे निकाला और एक तरफ ट्रे में रख दिया, और मेरी स्टिचिंग होने लगी। और मैंने जैसे ही मेरे यशु को ऐसे निकाला था ना, मैंने उसे देखा कि ये तो बॉय है, और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा उस समय थोड़ा सा पता नहीं मैं किस दिमाग में किस सिचुएशन में थी, मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा तुम रो क्यों रही हो। उन्होंने कहा मुझे बेटी चाहिए थी, मेरे हस्बैंड को बेटी चाहिए थी, तो बेटा हो गया। वो लोग इतना हंसे, कहने के कैसी माँ, और यहाँ तो लोग हम लोगों से झगड़ के जाते हैं कि अरे बेटी कैसे हो गई, और बेटा होना था और तुम्हारे बेटा हुआ तो तुम जो है रो रही हो। खैर मैंने फिर थोड़ा कंट्रोल किया, और मैं मेरी बस वो ऑपरेशन जो स्टिचिंग वगैरह हो रही, अब मेरा सारा निगाह मेरे बेटे की तरफ की, उसको ऐसे छोड़ रखा है। मैं वेट करती रही कि शायद अब कोई आएगा, अब कोई होगा। 15-20 मिनट वो ऐसे ही ट्रे में पड़ा रहा। तब मैंने अपने जो मेरे बगल में खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको ऐसे ही रख रखा, अरे उसे उठाइए साफ सूफ करिए, उसे कब साफ करेंगे, मैंने ऐसे बोला। तब उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता वो अपना पोछ पाछ के क्या किया और कैसे मम्मी को दिया क्या किया, तो बाहर फैमिली थी मेरी। फिर मैं जो है मुझे जितना स्टिचिंग में टाइम लगा, और फिर 1-1.5 घंटे बाद जब मैं ओटी से बाहर आई, तब मुझे पता चला कि मेरा जो बेटा उसे एडमिट करा दिया गया। अब मेरी तो बिल्कुल जान ही निकल गई कि ये क्या हो गया। फिर मैंने मेरी मम्मी ने बोला कि उन्होंने आके मुझे दिया, और जो है तो मैंने जैसे ही गोद में लिया तो मुझे लगा कि इसकी सांस बहुत धीमे चल रही है। मैंने उसके सीने पे हाथ वाथ रखा तो वाकई उसकी सांस बहुत धीमे चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर से कि इसकी सांस बहुत धीमे चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये करा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चे होते हैं ऐसे ही होते हैं, और वो लेके गए उसे जो बेबी जिम में रखा जाता है मशीन में, उसमें रख दिया और ऑक्सीजन चला दिया।
फिर 1 घंटा हो गया तब भी उसकी रेस्पिरेशन यानी कि उसकी सांस लेना था वो ठीक नहीं हुआ, वो वैसे ही सांस ले रहा था। और मैं तो ओटी में थी तब, फिर मेरे हस्बैंड तब तक ऑफिस के लिए, उनको बहुत ज़रूरी कॉल आई उनकी तो उनको जाना था। फिर मेरे पास, मेरी मम्मी के पास डॉक्टर आई और उन्होंने कहा कि ऐसा है इसके बच्चे के डैडी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो तो ऑफिस के, कहना उनको बुला लीजिए जल्दी से। अब मेरी मम्मी घबरा गई क्योंकि वही थी ना, मेरी सास थी ना कोई था, बस मेरा देवर था एक और मम्मी थी मेरी। तो मेरी मम्मी ने फट से मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि भैया ये तो डॉक्टर बुला रहे हैं जल्दी आओ। जब मेरे हस्बैंड आए तो उनसे डॉक्टर ने कहा देखिए इसकी सांस नहीं चल रही है और मुझे लगता है इसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, 5,000 में से कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, और ऐसा करिए इसको कहीं एडमिट कराइए जहाँ पर बच्चों का NICU हो, और देर हो रही है बहुत ज़्यादा। अब वहीं से सारी स्टोरी, जो एक खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मेरी अब मेरे हस्बैंड मेरे पास थे और मेरी मम्मी और मेरे देवर, अब कोई गाड़ी नहीं थी तो डॉक्टर ने कहा कि हम अपने नर्सिंग होम की गाड़ी देते हैं। मेरे छोटे से 1 घंटे के पैदा हुए बेटे को खैर मेरे घर से और जहाँ मैं एडमिट थी वहाँ से नियर अबाउट दिल्ली का बहुत ही अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं नाम क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ही वही नियर पड़ता। तो संजू ने सोचा कि मैं, मुझे इसको भी देखना है, घर भी देखना है और बेटे को भी देखना है, तो कुछ ऐसे ही करते हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं करूँगा। और बेटे को लेके मेरी मम्मी उसके ऑक्सीजन और सिलेंडर विलेंडर साथ में लेके वहाँ गई, वहाँ एडमिट कराया उसे। और जब मैं बाहर आई तो मम्मी नहीं थी, फिर हमें ये सारी स्टोरी बताया। अब मेरा रो रो के बुरा हाल, अब यकीन मानिए कि लोग कहते हैं सी सेक्शन में किसी को होश नहीं रहता, 4 दिन उसे पता नहीं रहता, मैं फूट फूट के रोई हूँ। मैंने जैसे मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो मेरी हालत हुई थी वही मेरी सेकंड, कुछ पता नहीं क्या ये संयोग है मेरा भाग्य है कि जो है मैं जैसे ही आई हूँ मैंने कम करीबन 1 हफ्ते में सोई नहीं। और वही मैं सोचती हूँ कि लोग कैसे कहते हैं कि अरे मेरा ऑपरेशन हुआ था सी सेक्शन तो मुझे 3 दिन मेरे, मुझे होश नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ ऐसा कुछ वैसा, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल, मैं मुझे डॉक्टर्स नर्सेज डांट डांट के जाते थे कि आप सो जाइए आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जिसकी मैंने सूरत नहीं देखी थी, जिसका कुछ भी, जिसको गोद में तक नहीं लिया था, और वो दूसरे हॉस्पिटल में पड़ा है। और डॉक्टर ने ऐसा कुछ बता दिया कि जो है 5,000 में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है। फिर ऐसे करके सारा दिन बीत गया और रात में मेरे हस्बैंड आए हॉस्पिटल से, तब मैं पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या कहा, तब उन्होंने कहा कि बहुत ही मतलब एक जो रोने वाला स्वर होता है उसमें उन्होंने कहा कि अभी तो डॉक्टर ने सारे सैंपल्स भेजे हैं, उसके चेकअप चल रहे हैं, तभी वो बता पाएंगी, और देखो जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। और उसको ICU में, जो ICU का नाम सुना मैंने, NICU क्या, मैंने ICU तक का नाम तब सुना कि ICU का नाम सुना, तो मैं इतनी तेज तेज रोने लग गई। उस वार्ड में प्राइवेट रूम था और वहीं पे मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, तीनों लोगों ने हमने पूरी रात रो के निकाल दी। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते रहे रो रो के कि हम बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, ये हमने पता किया है बच्चों का दिल्ली में, वो बच्चों का, ऐसे डॉक्टर वैसे डॉक्टर, बॉस ने ये कहा है फलाने, मतलब रात भर मुझे सांत्वना देने देते रहे, मॉर्निंग हुई ये हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा सारा दिमाग मेरे बेटे में था। इस तरीके से सेकेंड डे को शाम को उसकी रिपोर्ट आई है, तब उन्होंने जो है हस्बैंड मेरे आए, और तब तक मुझे जो है सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग संडे की मॉर्निंग में मेरे 8:45 पे मेरा बेटा हुआ सुबह मॉर्निंग में, और वो पूरा दिन मुझे पानी नहीं दिया गया। जब पूरी रात हो गई तो दूसरा दिन हुआ मंडे मॉर्निंग में, मुझे थोड़ा सा पानी, 2 ढक्कन पानी दिया गया, और उसके बाद मुझे शायद 1 ढक्कन थोड़ा सा लिमका वगैरह दिया गया था,
कि मुझे मेरा यूरिन पास हो जाए, मेरी गैस को पास करने के लिए पूछने आए थे कि हुआ कि नहीं, तो खैर वो सब तो हो गया। फिर इसके बाद जो है उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने जो है शाम को बताया कि वो बोला है कि उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, हार्ट पार्ट सही है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। तो लंग्स भी कोई शरीर का कोई छोटा अंग नहीं है। अब मेरा और रोना कि अरे चलो, तो मम्मी ने कहा रे बेटा हार्ट तो ठीक है, लंग्स नहीं 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 मेरा फिर रोना रोना, रोते रोते पूरा एक संडे चला गया, मंडे चला गया, मंडे नाइट चली गई। फिर आया ट्यूसडे, ट्यूसडे को जब मेरे हस्बैंड दोपहर में गए तो जो मेरे बेटे को देख रही थी डॉक्टर, उन्होंने जो है मुझे फोन किया और तो मुझसे बात की कि नहीं अपना ख्याल रखो बेटा, तुम्हारा हम ठीक करके देंगे, और जब तुम अपना ख्याल रखोगी तब तो बेटे का ख्याल रख पाओगी, उसे तुम्हारे दूध की ज़रूरत है, ये है वो है। उन्होंने काफ़ी समझाया, बहुत प्यार से समझाया, और मैं आज भी उनके टच में हूँ, मेरे बच्चों का सारा ट्रीटमेंट वही करती हैं। तो मतलब मेरी दिल को तसल्ली हुई, और उसके एक हफ्ते बाद मेरा बेटा घर आ गया, और माशाल्लाह भगवान की दुआ से वो बहुत ही, आप देखते हैं वीडियोस में कि मेरा छोटा बेटा बहुत नॉटी भी है और स्वस्थ भी है। लेकिन वो मेरे एक हफ्ता का कैसे गया और मेरी कोई देख रेख नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरी सी सेक्शन की स्टोरी थी। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ या मैं नहीं बता पाई तो आप ज़रूर पूछिएगा अपने क्वेश्चन, मैं हो सका तो मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगी। और डॉक्टर कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं, और उसको जो इन्फेक्शन हुआ था वो जो उसको ट्रे में रख रखा था इतनी देर, तो उसके अंदर सारा गंदा पानी चला गया था, उसके लंग्स में भर गया था, उसकी वजह से हुआ था। और 4 दिन बाद में, जब मुझे 3 दिन में मुझे डिस्चार्ज मैंने ले लिया था, मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे तब भी मैंने डिस्चार्ज 3 दिन में ले लिया था उस हॉस्पिटल से। चौथे दिन मैं अपने बेटे को दूध पिलाने गई थी NICU में, तो वहाँ जब गई तो मैंने बेटे को देखा ही नहीं था। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जब मैं गई हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा कि चाहिए दूध पिला दीजिए। मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, जो हॉस्पिटल का गाउन होता है वो पहना, हैंड वॉश किया, सब कुछ किया जो प्रोसीजर। अब मैं इतने बच्चों में अपना बच्चा ढूंढ रही हूँ, मैं पहचानती होती, और वहाँ नाम लिखे थे सोचिए, लेकिन आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ा था, ऐसी घबराहट थी, ऐसी खुशी थी कि मुझे वो नाम भी नहीं याद दिख रहे हैं कि बेबी ऑफ फलाना, बेबी ऑफ ढिमकाना। मुझे मैं चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। तो सबसे सुंदर तो वही था, और बाकी मेरा छोटा बेटा भी बहुत सुंदर पैदा हुआ था, इतना मोटा कि पूछे मैं। तब फिर मैं वापस फिर सिस्टर के पास, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा ही नहीं है। अरे घुस ना लेबी लगे हुए, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा ज्योति। तो उन्होंने कहा बेबी और ज्योति देखिए। जब मैं गई तो मेरा यशु तब भी शैतानी कर रहा था, सारा अपना जो उन्होंने नैपी वैपी पहना रखी थी और डायपर वगैरह वो सब नोच नाच के खोल रखा था, और काफ़ी वेट उसका कम हो गया था। वैसे भी बच्चे वेट लूज करते हैं मतलब पैदा होने के बाद, बट मेरे बेटे की बीमारी की वजह से, और वो ICU में था उसकी वजह से उसका काफ़ी लूज हो गया था। और मेरी मम्मी से मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि बच्चा होते ही तुमने आंसू क्यों डाले, इतनी खुशी का मौका था और तुमने आंसू डाल के मनहूसियत लगा दी। तो खैर ये बात तो अपने अपने मन की और सोचने की है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिस दिन मेरा बेटा आया उस दिन मैंने ऐसी कोई मंदिर, कोई ऐसा प्रसाद, कोई ऐसा चीज़ नहीं था, जो जो दिमाग में आया मैंने उतनी प्रार्थनाएं की, उतना मैंने मन्नतें मांगी कि बस मेरा बेटा मुझे मिल जाए। मुझे ना बेटी चाहिए ना कोई तीसरा औलाद चाहिए, मुझे बस मेरे दो बेटे जो हैं वो ही बने रहें, वो ही अच्छे से रहें। भगवान मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो वो पूरा मेरा 1.5 हफ्ता कैसे कटा है बस मैं जानती हूँ, और पता नहीं क्या मेरे दोनों बच्चों में ऐसे ही रहा है। और ये प्रेगनेंसी और मेरी डिलीवरी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है।
सी सेक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखी कि क्या साधा। सच में अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें ना क्या क्या तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उस तकलीफ से ज़्यादा बड़ी तकलीफ मुझे मिल गई थी मेरे बेटे की। जो मेरा बेटा तकलीफ में था वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी थी, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कहीं दर्द भी हुआ है कि कहीं मुझे कुछ। मैंने तब भी लास्ट मेरी जो पहले वाली डिलीवरी के बाद का टाइम था उसमें भी मैंने कुछ ना खाना पीना मेरा छूट गया था, और उसके बाद भी यही हाल हुआ। तो यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी की जो सी सेक्शन की और सेकेंड प्रेगनेंसी की स्टोरी थी। अगर कुछ मैं भूल रही हूँ, अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसके बाद जो मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, दो बच्चों के बाद एक औरत की ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, शरीर में क्या परिवर्तन और कौन कौन सी तकलीफ़ें जुड़ जाती हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी एक वीडियो में अपने शेयर करूंगी कि उसके बाद मुझे फिजिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो आज मुझे मैं परेशान हूँ जिनसे। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों का जो एक क्या कहते हैं हेल्थ है वो कैसा रहा अब तक, वो भी मैं वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस वीडियो के नीचे मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का लिंक भी दूंगी, तो वो भी ज़रूर वॉच करिएगा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना और खूब खुश रहना है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।